हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल एचडी फूड सीरीज में। आज हम बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी चिली फ्लेक्स घर पर ही बनाएंगे। चिली फ्लेक्स का यूज हम किसी भी नमकीन खाने की गार्निशिंग के लिए करते हैं और इसे हम पिज्ज़ा, पास्ता या वेजिटेबल सलाद में गार्निशिंग के लिए कर सकते हैं। ये किसी भी खाने की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ खाने का स्वाद भी बढ़ाता है। और अगर आपके घर में आलू के चिप्स हैं तो उसके ऊपर भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। इससे आलू के चिप्स सुंदर तो दिखेंगे ही और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च ली है। आपको जितना चिली फ्लेक्स बनाना है उतनी सूखी लाल मिर्च ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए हमें कम तीखी वाली लाल मिर्च लेना चाहिए क्योंकि इसे हम ज़्यादातर गार्निशिंग के लिए ही यूज करते हैं, तो ज़्यादा तीखी वाली लाल मिर्च अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाल मिर्च अभी बहुत ज़्यादा सूखी हुई नहीं है। ये देखिए कैसे फोल्ड हो जा रही है। तो इसे अभी हमें धूप में अच्छे से सुखा लेना है। 1-2 घंटे सुखा लेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे, तब इसका चिली फ्लेक्स हम बना सकते हैं। और अगर आपके यहाँ धूप की सुविधा नहीं है तो आप इसे थोड़ा सा कढ़ाई में थोड़ी देर तक लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर रोस्ट कर लीजिए, तो भी ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, यानी कि इन मिर्चियों में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो सूख जाएगा। तो इसे हम सुखा लेंगे। अगर मिर्चियों में डंठल हैं तो सबसे पहले हमें डंठल को अलग कर लेना है। मैंने सारी मिर्चियों को धूप में अच्छे से सुखा लिया है और अब हम इसके बनाते हैं चिली फ्लेक्स। तो हम क्या करेंगे कि मिर्ची को अब हम बीच से तोड़कर और उसके सीड्स को अलग कर लेंगे। इस प्रकार से आप देखते रहिए, ये मैंने मिर्ची को तोड़कर इसके सीड्स को अलग कर ले रही हूँ। ये सभी मिर्ची के सीड हमने अलग कर लिए हैं, तो इन्हें हमें फेंकना नहीं है, इन्हें हम एक अलग प्लेट में रख लेते हैं। अब सभी मिर्चियों को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हम पल्स मोड पर चलाएंगे। पल्स मोड यानि चालू करना बंद करना, चालू करना बंद करना। इस टाइप से आप इसको मिक्सर में चलाएंगे तो ये एकदम चिली फ्लेक्स जैसी ही बन जाएगी। इस प्रकार से जब हम मिर्चियों को ग्राइंड करेंगे तो इसका पाउडर नहीं बनेगा, मिर्ची पाउडर नहीं बनेगा, ये बनेंगे चिली फ्लेक्स, यानी कि एकदम मार्केट जैसी चिली फ्लेक्स आपको मिल जाएगी। यहाँ देखिए जो लेफ्ट साइड में बटन होती है उसी में हमें इसे चलाना है, यानी कि पल्स मोड पे चलाना है। इसे हमें बहुत कम समय के लिए चलाना है। ज़्यादा देर तक ग्राइंडर चलाएँगे तो फिर ये मिर्ची पाउडर बन जाएगा, फ्लेक्स नहीं बनेगा। इसे हम स्लो स्पीड पर यानी 1 नंबर पर भी चालू बंद करके इसे हम पीस सकते हैं। बस इतनी ही देर तक हमें करना है, ज़्यादा देर तक करेंगे तो ये मिर्ची पाउडर बन जाएगा। और इसके बाद हमें जार का ढक्कन एकदम से नहीं खोल देना है। आप समझ सकते हैं कि हम मिर्ची पीस रहे हैं और इसकी जार कितनी तेज़ निकलती है, तो हम थोड़ा सा रुक कर ही जार का ढक्कन हटाएँगे। कभी भी लाल मिर्च पीसते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि घर की खिड़कियाँ खुली रखें और मुंह पे हो सके तो कोई कपड़ा बांध लें। तो अब मैं इस चिली फ्लेक्स को एक बर्तन में अलग निकाल लेती हूँ। बाज़ार में इसे आप लेने जाएंगे तो ये कितनी महंगी मिलेगी हमें, और घर में आपने देखा इसे कितने सस्ते में हम इसे बना रहे हैं, और दिखने में भी ये कितनी सुंदर दिख रही है। और अब जो हमने ये बीज रखे थे अलग निकाल के, इसको भी हम इसमें मिला देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दिख रही है ना एकदम मार्केट जैसी चिली फ्लेक्स, और मिनटों में ही हमने इसे कितनी आसानी से घर पर ही बना लिया। तो अब जब भी आपको ज़रूरत हो इसे आप घर पर बना सकते हैं।
तो अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये चिली फ्लेक्स बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।